हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये बताइए, मैं थोड़ा सा खुश हो जाती हूँ तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है? हेड कमेंट देते हो। मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ यार। मैंने हमेशा यही कहा कि मुझे सोशल मीडिया फैमिली मिली है जब से मैं खुश रहने लगी हूँ, पर ये खुशी आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है। मैं जहाँ खुश रहती हूँ वहाँ पर आप मुझे टारगेट बना लेते हो, तो मुझे खुश रहने का हक नहीं है? थोड़ी देर के लिए आए ना, हमेशा तो वहाँ रहते थे जब तो आप लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। बस मेरे साथ में थोड़ा सा वीडियो बना लिया तो आपको बुरा लग रहा है? यार मैंने फिर भी ये कहा कि वहाँ भी चले जाना, उन्होंने मेरा फास्ट खुलवाया और चले गए। नहीं चाहती, मेरे मन में कुछ होता तो मैं आप लोगों के साथ कभी वीडियो शेयर ही नहीं करती, पर मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि वो वहाँ नहीं जाएंगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मुझे ट्रोल करना बंद करो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकास फदरौड़, पिंकी फदरौड़ और सोनू फदरौड़ के बारे में। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे तो देखा होगा विकास फदरौड़ ने दो शादी की है। बीवी का नाम सोनू फदरौड़ और दूसरी बीवी का नाम पिंकी फदरौड़ है। उनके घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे है, वजह से विकास फदरौड़ किसी बीवी के पास भी नहीं रह रहे है। तो ये भी कहना है की जब मुझसे शादी की थी तब ये सोनू कहाँ गायब हो गयी, जाना की इनकी शादी नहीं हुई है, अपने दूसरे आशिक के साथ मजे ले रही थी। सोनू फदरौड़ ने लाइव आकर अपनी कुछ बातें बताई। उनकी सासू माँ और मम्मी दिखाई दे रही हैं। अगर मैं पूरी वीडियो दिखाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो दिखाते हैं। नमस्कार, माय यूट्यूब चैनल, माय सोशल मीडिया फैमिली, बहुत अच्छा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर कि मैं भाग गई थी, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे जाने के बाद पिंकी है। तो ये सरासर गलत है। मैं गई थी, कहाँ गई थी? मेरी माँ के घर, मेरी सासू माँ। मैं गलत होती तो मेरी सासू माँ मुझे कभी नहीं रखते। मैं इसीलिए मेरी दोनों माँ के साथ वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं गलत होती तो इन लोगों के साथ मैं वीडियो कभी नहीं बनाती ना। 8 दिन के लिए मेरे घर की लड़ाई में गई थी, मेरी विकास जी से भी कोई झगड़े नहीं हुए थे, किसने झूठ बोला है। ये मेरे दोनों बच्चे हो गए थे, उसके बाद ये मेरी लाइफ में एंट्री लेकर आई है। और आपको कुछ जानना है, आप मेरी सासू माँ से भी बात कर सकते हो, आप मेरी मम्मी से भी बात कर सकते हो। मेरी बड़ी बेटी ये 13 साल की है, ये है कितने 10 साल का, लव से 3 महीने 4 महीना छोटा है, उसके अदरवाइज कुछ नहीं है। नहीं हो गया था ना, उसके बाद में मुझे पता चला था कि ये भी मेरी लाइफ में। तो आप गलत मुझे बोलना बंद कीजिए, है ना। किसी के छोड़ जाने से हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता। मम्मा क्या कर रहे हो? सफाई कर रही हूँ बेटा, साफ कर दो ना घर। जेल की सफाई करके खाना खा लो, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। मेरा मन नहीं है, भूख नहीं लग रही। चल निकल ले फटाफट, इतने सारे पार्सल पड़े हैं, काम बाकी करना है। ये लो। बहुत सारे पार्सल है मेरे पास। जा है। तो घर में रखने की जगह नहीं है। हाँ सारा हो गया, पूरा बेडरूम गंदा पड़ा है। इनके बहुत दिन हो गए, घर की सफाई भी नहीं करी मैंने और कपड़े भी नहीं धोए हैं, बहुत सारे कपड़ों का ढेर भी लग गया है। अभी सब कुछ धोना भी है मुझे और आज का घर क्लीन भी करना है, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ, इसीलिए आज मैं पूरा घर साफ करके और इसको व्यवस्थित करके जाऊँगी, ताकि जब मैं आऊँ तो थोड़ा ज़्यादा गंदा भी नहीं मिला मुझे। तो आज मैं चली। क्या हुआ? बोला था खुश तो बहुत होंगे आप, तो खुश रहो।